मैं तो नहीं कह रहा क्राइम ख़त्म हो गया, मैं तो नहीं कह रहा कि क्राइम को हमने ख़त्म करके हमने कहा है कि जी हर जगह पे वाह हो गया, लेकिन 30% नीचे आना भी बहुत बड़ी बात है। ये फरमाइएगा कि पुलिस के जो क्राइम कंट्रोल करने के लिए आपने कुछ रिफॉर्म्स भी किए, वो किस हद तक इम्प्लीमेंट हो सकेगी, कि आइंदा हुकूमत आएगी फिर वापस ले? देखिए मेरी बात सुने, इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि एक तो होता है ना कि ये बिल्डिंग की शक्ल चेंज कर देना, ये मुझे भी बड़ी अच्छी लगेगी, आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी। आम आदमी के लिए बिल्डिंग की शक्ल मैटर नहीं करती, उसके लिए क्राइम मैटर करता है। कोई मर्ज़ी आप इसको इससे भी 7 स्टार बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा जब मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, डेटे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि 30% पंजाब में क्राइम नीचे आ गया है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, और ये उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फीडबैक भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि डेटा 15 की कॉल पे। और इस टाइम मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हर FIR रजिस्टर हो रही है, मैं खुद ज़ाती बुनियाद पर डेली की बुनियाद पर SSP लॉ एंड ऑर्डर यहाँ मेरे साथ मौजूद है, हर वक्त साथ होते, वो डेली मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी की अगर एप्लीकेशन आ गई है तो वो रजिस्टर हो रही है कि नहीं हो रही है। कई जगहों पे SHO, कई जगहों पे DSP, कई जगहों पे SP तब्दील हुए इसी बुनियाद पर कि वो FIR रजिस्टर नहीं हो रही थी, अब FIR भी रजिस्टर हो रही है और कोई बंदा जा सकता है जाके FIR रजिस्टर करा सकता है अगर उसके साथ इंसिडेंट हुआ। अच्छा, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बिल्कुल ये चीज़ें उस टाइम अच्छी लगेंगी जब क्राइम नीचे आएगा, ये चीज़ें उस टाइम अच्छी नहीं लगेंगी जब क्राइम नीचे नहीं आएगा। 30% क्राइम नीचे आना, इस सारी टीम को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि इन्होंने दिन रात मेहनत की है, ना सिर्फ इस शक्ल को अच्छी करने में बल्कि पब्लिक को रिलीफ दें। मैं तो नहीं कह रहा क्राइम ख़त्म हो गया, मैं तो नहीं कह रहा कि क्राइम को हमने ख़त्म करके हमने कहा है कि जी हर जगह पे वाह वाह हो गए, लेकिन 30% नीचे आना भी बहुत बड़ी बात है, और इस चीज़ का इन लोगों आपको सबको क्रेडिट देना चाहिए। जी अच्छा सर, ये बताइएगा, 313 घर बना रही है जो छोटे मुलाजमीन हैं पुलिस अहलकारों के लिए, उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही? देखिए ओवरऑल कांस्टेबल से शुरू कांस्टेबल्स के लिए लदा रिलीफ कर रहे हैं, और ये होम सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम ऑफिसर्स के लिए खाली नहीं कर रहे, कल चुबुरजी भी गए हैं तो चुबुरजी में भी हमने कहा है कि हर 8000 की लंबी क्यू है, तो चलें 8000 नहीं, हम 2000 को तो कैटर कर लें, उसको कैसे करना है, बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसके लिए ACS फुल फ्लेज काम कर रहे हैं। 1000 घर हमने और कहीं से ऑलरेडी बने हुए थे वो हमने टेक ओवर करके इंशाल्लाह करने लगे, 1000 घर की हम कंस्ट्रक्शन पे अपार्टमेंट में जाने लगे, बल्कि अगर हम चुबुरजी को रीवैम कर गए तो 3500 घर वहाँ पे बन जाते हैं, उसका मास्टर प्लान बना रहे हैं, तो 3500 घर वो और 1000 घर वो, सिर्फ इन दो प्रोजेक्ट से 4500 घर बनते हैं हमारे, अपार्टमेंट बनते हैं। तो कोशिश है, पूरी कोशिश है कि ऑफिसर्स को भी कम्फर्टेबल करें और जो नीचे वाले ऑफिसर्स हैं उनको भी कम्फर्टेबल करें, और जितने हम मास्टर प्लान या प्रोजेक्ट शुरू कर सके हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह। सर इसमें ये बताइएगा कि थाने तो स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिए गए हैं, लेकिन इनमें नफरी जो कम है, जो नफरी की तादाद कम है, कितनी इलेक्शन कमीशन ने हमें नफरी बिल्कुल कम थी, 11000 नफरी कम है, और उसकी अप्रूवल के लिए हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा, उन्होंने अप्रूवल दे दी, हमने उसका प्रोसेस शुरू कर दिया है। अब जब भी प्रोसेस में कम है, वो दिन 15 दिन महीने में तो हो नहीं सकता, लंबा 2-3 महीने का प्रोसेस है, लेकिन हमने परसू करके, आप यकीन नहीं करेंगे, जेल की जो पुलिस थी उसमें 2017 के बाद हमने 2017 के बाद 2500 बंदा भर्ती किया उसमें, क्योंकि वहाँ पे भी बुरी हालत थी। इसी तरह पुलिस में कोई भर्ती उस तरह जो शॉर्टेज की थी वो नहीं हो रही थी, तो प्रोसेस मुकम्मल है इंशाल्लाह ताला, ये प्रोसेस अगले दिनों में शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली वो हर तरह से सपोर्ट करते हैं, और मेरे ख्याल में जब उनके पास आर्गुमेंट जाता है कि जहाँ पे कोई चीज़ होने वाली है वो उसको हमेशा ओके करते हैं, तो उन्होंने इजाज़त दे दी हुई है प्रोसेस, और बहुत दिनों की दे दी हुई है, शेड्यूल आने से पहले की दे दी हुई है, तो प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक सवाल और, जो आपने लाइसेंसिंग के बारे में कहा कि 9 तारीख तक छूट दे दी गई है, हाईवे और मोटरवे पुलिस के आज जुर्माने बढ़ चुके हैं, वो उनके भी क्या? नहीं, ये सिर्फ लाइसेंसिंग फीस जो बढ़ी है वो 9 तारीख तक हमने रोकी है, 10 तारीख से वही नई फीस चार्ज होगी। ये 9 दिन का रिलीफ इसलिए दिया है तो अगर कोई लोग रह गए हैं लंबी क्यूज की वजह से, बाकी वजह से, तो वो कम्प्लीट कर सकें। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाकयात यकीन के साथ।